तो दोस्तों हमारे फ्री फायर के अंदर टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। क्या हुई? ये देखिए दोस्तों, ये हमारा गोल्ड वर्ल्ड है जो कि 3 दिन के अंदर ही हमारे गेम के अंदर से गायब हो जाएगा। ये बांडिया, तेरी जुदाई का गम में सहलूंगा बांडिया, सहलूंगा जा। लेकिन दोस्तों अब ये सवाल आता है कि 3 दिन के बाद हमारे गेम के अंदर जो न्यू गोल्ड वर्ल्ड आएगा वो कैसा होने वाला है? बताओ, मेल बंडल होने वाला है कि फीमेल बंडल होने वाला है? अच्छा बंडल आएगा कि घटिया बंडल आएगा? बताओ। अरे रुको जरा, क्योंकि नेक्स्ट गोल्ड वर्ल्ड के साथ साथ आज की इस वीडियो के अंदर से आप लोगों को पर्पल शर्ट बंडल की रिटर्न के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आर। इसी के साथ साथ अभी जैसे हमारे गेम के अंदर रोहित शर्मा स्पेशल एक इमोट आया था ना, अच्छा वैसे जल्दी करने वाले इंडियन थीम के ऊपर और इमोट भी लाने वाले हैं जिसका रिव्यू आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर से मिल जाएगा। तो समझ सकते हो यार आज के ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए कितना ज्यादा मजेदार, अमेजिंग और धांसू सा होने वाला है, इसलिए इसे कभी भी स्किप मत करना। सही करें पापा जी। ओके, अब चलिए फिर बिना किसी देरी के बिना किसी वक्त और बात किए शुरू करते अपना आज का वीडियो एंड शुरू करते अपना आज का कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? नमस्ते भाई, थम समझते दोस्तों, कल मैं बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहा था इसलिए आप लोग के लिए वीडियो भी नहीं बना पाया था और गेम वगैरह भी ओपन नहीं किया था, पर आज जैसे ही गेम को ओपन करता हूँ मुझे क्या दिखता है? ओ भाई ये क्या है? दोस्तों फाइनली हमारे गेम के अंदर इवो एक्सेस आ चुका है। आई डोंट बिलीव दिस। हाँ भाई, जिस चीज का हमने इतना ज्यादा इंतजार किया था उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के भाई एकदम चुपके से इसको हमारे गेम के अंदर ला के पटक दिया। वैसे बात कर ली इवो एक्सेस के बारे में, जो अपने गेम के अंदर आया ना उसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले तो इवो G18 देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों, वो भी लेवल 6। इसके साथ साथ आप लोगों को ड्रैको के भी देखने के लिए मिल जाते हैं, वो भी लेवल 4 का। देखो बाहर सर्वर के अंदर आप लोगों को बहुत सारे इवो गन्स लेवल 8 के देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हमारे सर्वर के अंदर इवो गन्स डाले गए हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर प्राइस भी है, जिन सर्वर के अंदर ज्यादा इवो गन्स है वहां पे इवो एक्सेस का प्राइस बहुत ज्यादा रहता है। हमारे यहाँ पे सेम फैसिलिटी सारी चीजें आप लोगों को सिमिलर देखने के लिए मिलता है, सिवाय इन दोनों इवो गन्स के बदले हमारा जो इवो एक्सेस ना वो भी काफी ज्यादा सस्ता पड़ रहा है यार। 3 दिन के लिए 70 रूपए, 7 दिन के लिए 100 रूपए और 30 दिन अगर आप लोग इवो एक्सेस लेना चाहते हो तो आप लोग को 290 रूपए ही देने पड़ेगा। दोस्तों ईवीएच के लिए इतना कम प्राइस पे करना पड़ रहा है, देख के आप लोग काफी ज्यादा खुश होंगे। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। पर देखो यार जैसे अभी ईवीएच अभी नया शुरुआत पे ना सभी चीजों का हाइप एकदम आसमान छूता है, बहुत ज्यादा हाइप रहता है सभी चीजों का, लेकिन है तो ये फ्री फायर है ना। थोड़े दिन के बाद ईवीएच का भी हाइप वैसे ही खत्म हो जाएगा जैसे आज की डेट पे सब क्रिमिनल बंडल्स को भूल चुके हैं। हाँ ईवीएच अभी नया है इसलिए आप लोग का मन कर सकता है हाँ इसको ले लेते हैं, लेकिन आप लोग मेरे अकाउंट के अंदर देख सकते हो मैंने तो इसको नहीं निकाला है, नहीं लिया अपने अकाउंट के अंदर, पर अगर आप लोग का मन कर रहे हैं ना आप लोग ले लेना, थोड़ा कम है तो ऐसे फन के लिए ना कुछ दिनों के लिए आप लोग ले सकते हो, पर हाँ हमेशा मत लेना। आप गरीब से और गरीब होते जाओ और गरीना वाले अमीर से और अमीर होते जाएंगे। ये गरीब कट मार दे रहे इसको। ओके तो दोस्तों यहाँ पे कट मारते हुए हम लोग वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, रोहित शर्मा सर का ये एपिक सेलिब्रेशन स्टेप्स ये तो आप लोगों को याद ही होंगे। यस, तो जब गरीना वालों ने इसका एक इमोट बना दिया और उसको गेम के अंदर लॉन्च कर दिया, लोग इसके पीछे पागल हो गए, बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज किया है। धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है बारिश। पर दोस्तों लगता है इस बारिश के बाद भी गरीना की प्यास बुझी नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? यही कि सेम स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके गरीना वालों ने और इमोट को डिजाइन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये लीजिए, ये उस इमोट का बैनर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सीक्रेट कोलैबोरेशन और नीचे लिखा हुआ है कमिंग सून। बट जैसे कि आप सबको पता है गरीना का कोई भी सीक्रेट हमारे सामने सीक्रेट नहीं रह पाता, क्योंकि हमारे पास गरीना वालों की हर चाबी की ताला होती है, मेरा मतलब हर ताले की चाबी होती है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग ये देख लेते हैं क्या है गरीना वालों की सीक्रेट प्लान, कौन सा न्यू इमोट है जिसको गरीना वाले जल्दी हमारे गेम के अंदर लाने वाले हैं। आ जाओ दिखा दूंगा। नबाटा सोडू नाटू 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 यारा नाटू। सुनाई नहीं दे रहा। दोस्तों गरीना वाले अपने इंडिया के एक बहुत ज्यादा पॉपुलर मूवी RRR के साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं। ये इमोट जिस स्टेप के ऊपर बनाया गया है ना वो स्टेप एक्चुअल में नाटू नाटू गाने का है, इसी RRR मूवी का एक बहुत ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग है। बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। बाकी हाँ यार एक चीज तो है, जब गरीना वाले रोहित शर्मा का जो स्टेप था उसका इमोट गेम के अंदर लाया, मुझे नहीं लगता है गरीना वालों ने इसीलिए BCCI या फिर रोहित शर्मा किसी के भी साथ कोलैबोरेशन किया होगा, उस स्टेप को उठा के कॉपी करके चोरी करके उसका इमोट बना लिया। हो सकता है गरीना वाले RRR के साथ ऑफिशियल कोलैबोरेशन कर रहे हो, ना पता चला गरीना वाले इमोट को भी कॉपी करके बना रहे हैं। चोर। चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर आगे, और अभी हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी की मोस्ट फेवरेट पर्पल शर्ट बंडल की रिटर्न के बारे में।
बताओ। आप तो जानती होंगी पर्पल शेड बंडल हम लोग को फर्स्ट टाइम के लिए गेम के अंदर मिस्ट्री शॉप में देखने के लिए मिला था। लेकिन उसके बाद इसका क्रेज इतना ज्यादा हो गया। लेकिन क्या बताऊं? और ये चीज गिरने वालों को अच्छे से पता है कि उनका ये वाला बंडल बहुत ज्यादा क्रेज में चल रहा है। इस वाले बंडल को इतने सही मौके पर गिरने वाले किसी सस्ते इवेंट के अंदर तो रिटर्न नहीं लाएंगे। ठीक है, तो पर्पल शेड बंडल सीधा सीधा हम लोग को अपने नेक्स्ट टोकन रिंग के अंदर दिखने के लिए मिल सकता है, जिसको आप लोग नॉर्मली रिंग इवेंट भी बोलते हो। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हो, पर्पल शेड बंडल आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इसको अगर हम लोग पार्ट बाय पार्ट करें तो सबसे पहला आइटम जो आप लोग को इसके अंदर देखने के लिए मिलता है ना, वो इसका हेयर। और यही चीज दोस्तों इसको काफी ज्यादा पॉपुलर बना दिया। देखो बाकी सारे जितने पार्ट्स है ना इस बंडल के, वो ठीक ठाक से, उतने अच्छे नहीं है उतने भी बुरे नहीं है। ठीक है, पैंट वगैरह उतने भी अच्छे नहीं है, जूते वगैरह तो छोड़ ही दो, कोई यूज नहीं करता है। लेकिन इसका जो हेयर स्टाइल है उसको हर कोई बंदा यूज करता है। बात तो सही है। इसके साथ दोस्तों इसी सेम रिंग इवेंट के अंदर आप लोग को इसका फीमेल वर्जन भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसका नाम है वायलेट रात बंडल। आप लोग बताइए दोस्तों, क्या आप लोग को ये पर्पल शेड बंडल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर आप लोग का ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है? आप लोग को पर्पल शेड बंडल पसंद नहीं है, आप लोग को अच्छा नहीं लगता है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बता दें। पर्पल शेड बंडल के अलावा यहाँ पे आप लोग को एक और बंडल को भी अलग अलग करके दिया जा रहा है, जिसका नाम है वाटर पम्प बंडल, जिसका हेयर स्टाइल हूबहू आप लोग का पर्पल शेड बंडल जैसा ही है। बाकी चीजें तो अलग है, लेकिन इसका जो हेयर स्टाइल है, जिस चीज के लिए पर्पल शेड बंडल को सभी लोग पसंद करते हैं, उसी चीज को करने वालों ने कॉपी करके किसी और बंडल के अंदर डाल दिया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बाकी बात के लिए इस पर्टिकुलर रिंग इवेंट के बारे में, ये जो रिंग इवेंट है ये अपने गेम के अंदर 15 अगस्त के बाद देखने के लिए मिलेगा। पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले तो हम लोग को गेम के अंदर इंडिपेंडेंस डे इवेंट देखने के लिए मिलेगा ना। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि ज्यादा लेट हो जाए, हम लोग फटाफट से वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं हमारा आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक के बारे में, यानी कि हमारे गेम के अंदर आने वाला नेक्स्ट गोल्ड वैले के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया था तो क्या करो यार, जल्दी से जल्दी फटाफट से इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करने के साथ साथ वाला बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे डाल देना। अगर आप लोग ऐसे मस्त मस्त वीडियो रोज देखना चाहते हो तो अभी हम लोग वीडियो के अंदर आ जाते हैं और बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट गोल्ड वैली के बारे में। तो ये देखिए दोस्तों, इस वाले बंडल का नाम है ग्रैंड स्लैम बंडल। काफी ज्यादा, मतलब काफी से भी काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि ये जो बंडल है यही हम लोग को अपने नेक्स्ट गोल्ड वैली के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बाहर सर्वर के अंदर, अलग अलग सर्वर मैंने देख लिया, सभी सर्वर के अंदर यही वाला गोल्ड वैली बंडल आ रखा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम भी है। क्या? अभी हमारे गेम के अंदर जो गोल्ड वैले चल रहा है ना, वो एक मेल बंडल है। गरेना के लॉजिक के हिसाब से इसके बाद हमारे गेम के जो नेक्स्ट गोल्ड वैले आना चाहिए ना, वो एक फीमेल बंडल होना चाहिए, जिसको अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर थोड़ी देर में ये देख सकते हो। ठीक है, एक एक पार्ट में आप लोग को दिखा रहा हूँ उस बंडल का। इसका नाम है वॉक अप बंडल। ऐसा मान के चलिए मेल और फीमेल दोनों का ही चांसेस है। अगर मेल बंडल आप लोग को गोल्ड वैले में देखने के लिए मिलता है, फीमेल बंडल आप लोग को रेड एफएफ टोकन स्टोर में देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर 22 बार। इन दोनों में से कोई भी बंडल हमारे गोल्ड वैले के अंदर नहीं आता है तो इस बंडल को आप लोग देख सकते हो। इसका नाम है डैपर फैंटेसी बंडल। यार ये उतना अच्छा बंडल तो नहीं है, मतलब आप लोग बताइए, मेरा ओपिनियन ज्यादा मैटर नहीं करता है। आप लोग बताइए दोस्तों, ये बंडल आप लोगों को अच्छा लग रहा है, या फिर इसके पहले जो बंडल मैंने आप लोगों को दिखाया था ग्रैंड स्लैम बंडल, वो आप लोगों को ज्यादा अच्छा लग रहा है? इस वाले बंडल का भी थोड़ा थोड़ा चांसेस है कि हाँ, ये बंडल भी हम लोग को अपने नेक्स्ट गोल्ड वैले में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इनमें से कुछ भी नहीं आता है तो देखो, गरेना वालों ने बहुत सारे पुराने बंडल्स गेम के अंदर पेंडिंग रखा है, उनमें से कोई एक बंडल हम लोग को अपने नेक्स्ट गोल्ड वैले में देखने के लिए मिल सकता है। समझ रहे हो? ठीक है, समझ गया। वैसे तो बहुत ही ज्यादा लेट हो ही चुका है, लेकिन इससे पहले कि और भी ज्यादा लेट हो जाए, हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं आज की 20 अपडेट के बारे में। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आज के 12 बज के बाद हमारे गेम के अंदर यहाँ पे न्यू मिस्ट्री शॉप आने वाला है, जिसके अंदर सबसे पहले रिवार्ड आप लोग को एक ग्लोइंग मेमोरी बंडल देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि कुछ इस टाइप का बंडल है, स्केलेटन जैसा बंडल है, लेकिन स्केलेटन लगता नहीं है। वैसे क्या पता आगे चल के इसका कोई भी एक पार्ट बहुत ही ज्यादा क्रेज में आ जाए पर्पल शेड बंडल की हेयर स्टाइल की तरह। हाँ, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पे एक ग्लूअल स्किन देखने के लिए मिल जाता है, जिसका नाम है ग्लूअल शैन कैसल। ठीक है, बढ़िया से ग्लूअल है दोस्तों, मेरे को ये दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक स्काईविंग का स्किन भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसका नाम है मोको स्काईविंग। दोस्तों इसको मत खरीदना यार, काफी बढ़िया बढ़िया स्काईविंग अपने गेम के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग को ये क्या है भाई, पत्ते वत्ते लगा के आदिवासी बना जा रहा है। अगर आप लोग को आदिवासी वाला बंडल चाहिए तो आप लोग इसको भी निकाल सकते हो। देन कुछ इस टाइप का आप लोग एक साइते दिखने के लिए मिल जाता है, जिसको फिलहाल हम लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, पर ये लीजिएगा, इस डाउनलोड कर लिया इसको। अब चलिए दूसरे पेज के अंदर चलते हैं, जो की फीमेल बंडल सबसे पहले इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है, पर हम देखने वाले हैं सबसे पहले इस कटाना को। इस कटाना का नाम है एमराल्ड पावर कटाना। बाकी देखो सभी रिवर्स में आप लोग को दिखाया था, पर कल के लिए क्या बचेगा? तो बाकी जितने भी रिवर्स रह गए ना, उनको आप लोग कल सुबह गेम के अंदर जब मिस्टर पाएगा उसके अंदर से देख लो। वैसे भी दिखाने के लिए कुछ खास है नहीं, कुछ खास होता तो मैं आप लोग को दिखाया था। ठीक है बाकी विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।